बहू कितनी भी अच्छी हो पर हर सास एक सी होती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में पड़ोसन में जाकर बहू का रोना रोएगी जरूर। बहू कितनी भी अच्छी हो, ये हर सास की आदत है, आदत है। अब क्या करो, कांटे की आदत ही चुभना है तो चुभेगा, नहीं तो क्या करेगा। हर सास कभी ना कभी वो बहू कितनी भी अच्छी हो बहू, लेकिन वो रोना रोएगी जरूर। और बहुएं, सास कितनी भी अच्छी हो, कितना भी तुम्हें बेटी की तरह रखे, पर बहुएं पड़ोसी से, पड़ोसन से या फिर अपनी मां से रोना जरूर रोएगी कि मां सास तो वैसी है, वैसी ऐसा करती है, नमक भी ताले में रखती है, सेम है सब। तो महाभारत से पहली गलती क्या है, किसी का अपमान नहीं करना, चाहे वो सास का हो, ससुर का हो, पति का हो, पत्नी का हो, पड़ोसी का हो, रिश्तेदारों किसी का, चुप रहिए, अपमान ना कीजिए, क्योंकि व्यक्ति सम्मान भूल जाता है। और अपमान, फिर से दोहराओ, व्यक्ति सम्मान भूल जाता है और अपमान याद रखता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी किसी का अपमान ना करें। दूसरी गलती, महाभारत में दूसरी गलती हुई, महाभारत की दूसरी गलती हुई कि पांडवों ने और कौरवों ने जुआ खेला। क्या खेला? जोर से जुआ, और जुआ खेला तो महाभारत हुआ। पहली शिक्षा मिली महाभारत से कि कभी हमें अपमान नहीं करना। दूसरी शिक्षा मिली कि कभी हमें जुआ नहीं खेलना, खेलोगे तो तुम कोई भी क्यों ना हो, धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो, उनका भी राज्य समाप्त हो जाएगा, उनकी भी लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी और दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो, जुआ खेलोगे तो नाश होगा। तो जुआ खेलना महंगा पड़ा पांडवों को, और जुआ खेलना कौरवों को इतना महंगा पड़ा कि उनका तो सत्यानाश हो गया। तो महाभारत में दूसरी गलती क्या हुई? जुआ खेला गया। आपको क्या नहीं खेलना? आप लोग भी जुआ तो नहीं खेलते? खेलते हैं तो सावधान, खेलते हैं तो सर्वनाश की तैयारी कर लेना, क्योंकि होना वही है। महाभारत की दूसरी गलती क्या है? जोर से। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? मैया आप लोग तो नहीं खेलती हो? जुआ नहीं खेलना।